नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी क्षितिज लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है देखिए अपन प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं अपन अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा में जितना महत्व तैयारी का है उससे अधिक अभ्यास का है अभ्यास से मुझे अमीर कुछरों की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं घोड़ा अड़ा पान सड़ा रोटी जली विद्या विसरी क्यों फेरी नहीं थी देखिए कितनी गजब लाइन है घोड़ा अड़ा पान सड़ा रोटी जली विद्या विश्री क्यों फेरी नहीं थी देखिए इन पंक्तियों के साथ ही अपन अगले प्रश्नों पर चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक है वो सी एल टी है सी के कुछ प्रश्न अपने पहले कर चुके आज कुछ प्रश्न करेंगे अगर आपको सी के बारे में पढ़ना है देखिए क्वेश्चन एंड रेश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आज प्रश्न करेंगे अपन अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप प्ले में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इसमें अपन इंग्लिश शिक्षण विधियों के नाम से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अपने टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन तो आंसर पर आए चलो स्टार्ट करते हैं देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में वो क्या है दी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो द रीडिंग स्किल जो रीडिंग स्किल है वो मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर या मीनिंग तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में जब अपन कम्युनिकेशन करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल सीखते हैं टीचिंग सीखते हैं तो उसमें डी अपना होगा मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है डी मीनिंग इंपॉर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है जब तक कि अपन को मीनिंग नहीं आएगी तब तक अपन सीख कैसे पाएंगे क्योंकि अपे भाई इंग्लिश को लैंग्वेज है तो उसका अर्थ आना जरूरी है इसलिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग इंपॉर्टेंट है देखिए आगे चलते हैं द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टीचर सेंटर लर्नर सेंटर बोथ सेंटर नन ऑफ दो देखिए कितना गजब प्रश्न है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज टीचर सेंटर लर्नर सेंटर बोथ सेंटर नन ऑफ द दुक तो जो अपनी कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हमेशा लर्नर सेंटर होती है तो इसमें बी आएगा दूसरे के में बी आएगा क्योंकि लर्नर सेंटर होती है हमेशा जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लर्नर सेंटर मतलब सीखने वाले पे ज़्यादा फोकस करती है अध्यापक से सिवाय देखिए तीसरे पर चलते हैं अपन विच ऑफ दिस एनक्रेज देखिए आप समझिए विच ऑफ दिस एनकरेज इन कम्युनिकेटिव अप्रोच विच ऑफ दिस इन में से कौन सी ज़्यादा एनकरेज करती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में पेयर वर्क पेयर वर्क ज़्यादा एनकरेज करता है ग्रुप वर्क फ्रीडम टू एक्सप्रेस या ऑल ऑफ दिस क्योंकि देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम पेयर वर्क को भी पढ़ते हैं ग्रुप वर्क को भी पढ़ते हैं फ्रीडम टू एक्सप्रेस आपके भाव एक्सप्रेस करने के फ्रीडम को भी पढ़ते हैं तो इसमें जो डी है वो आंसर सही है ऑल ऑफ़ दी अब ऑल ऑफ दिस इन में सभी देखिए पहले वाले में अपने करा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ रीडिंग द रीडिंग स्किल्स द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज द रीडिंग स्किल मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर या मीनिंग तो डी इसमें करा डी करा द्वितीय में अपन ने करा टीचर सेंटर है या लर्नर सेंटर तो वो ये लर्नर सेंटर है कम्युनिकेटिव अप्रोच लर्नर सेंटर और तीसरे में ऑल ऑफ दबाउ डी आंसर है देखिए आगे चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ कितने बढ़िया प्रश्न है विच आर द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच के एडवांटेज क्या है विच आर दी एडवांटेज मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज प्रैक्टिस मोर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वोलमेंट या फ्लुएंसी इन स्पीच स्पीच में फ्लुएंसी आना ऑल ऑफ द अबाउ तो इसमें जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबाउ है ये तीनों एडवांटेज हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के फ़ायदे हैं मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस भी होती है इन्वॉलमेंट भी होता है इन्वोलमेंट भी होता है और फ्लुएंसी भी होती है स्पीच में फ्लुएंसी भी आती है देखिए आगे चलते हैं वाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचर्स लेस कॉम्पिटेंस नेग्लेक्ट ऑफ रीडिंग स्किल्स देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच की प्रॉब्लम क्या है टीचर्स लेस कॉम्पिटेंस नेगलेक्ट ऑफ रीडिंग स्किल्स ओवर क्राउडेड क्लासेस या ऑल ऑफ द अबो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑल ऑफ द अबो है ये प्रॉब्लम्स हैं देखिए क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लास रूम में जो सी एल टी है वो सक्सेज नहीं है और नेग्लेक्ट ऑफ रीडिंग स्किल्स देखिए कई बार रीडिंग स्किल्स के नेगलेक्ट कर दिया जाता है और टीचर्स लेस कॉम्पिटेंस और टीचर भी कम प्रभावी होते हैं देखिए तो इसमें डी होगा डी आंसर होगा इसमें ये देखिए फोर्थ में भी अपना डी था अपने पाँच परसेंट कर चुके हैं सीएलटी के कुछ परसेंट अपने पहले कर चुके हैं सीएलटी के कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग देखिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए बायो में शेयर कीजिए क्योंकि अपन बढ़िया बढ़िया परसेंट छाट कर लेके आते हैं एक साथ ज़्यादा भी नहीं लाते एक साथ कम भी नहीं लाते तो आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शेयर इस वक्त अपन को शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले भाई सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए जब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत